हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले अपन जेड 2022 की जो रिजल्ट आ चुका है और इसकी काउंसलिंग को रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया गया है उसकी, जैसे आप लॉगिन करके पता लग करते हो तो 6 तारीख को, जैसे कि शेड्यूल के अनुसार आप यहाँ पर देख पा रहे हो, 6 तारीख को फॉर्म जो है आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए था काउंसलिंग के लिए। जो आपको कॉलेज बननी है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये काउंसलिंग की जो कॉलेज है वो स्टार्ट नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई उसकी आपको मैं रीज़न बता देता हूँ। जैसे अपन साइट को ओपन करते हैं, जैसे जेड के बारे में अपने को जानना है तो यहाँ पे लिखा होगा कि मतलब जो ट्वेल्थ के जो CBSE वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनकी अभी तक जो है रिजल्ट नहीं आया है, उसकी वजह से इस काउंसलिंग को रोक दिया गया है। काउंसलिंग की जो आगे की डेट है वो अभी तक नहीं आई है, आगे की डेट आने में अभी तक समय लगेगा, वो आते ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो अपडेट, नए नए अपडेट पाने के लिए पहले चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा देखें। इसके अंदर आपको आते ही आपको बता दिया जाएगा पहले कि आपको क्या है कि इनको मतलब पहले टाइम था कि 6 तारीख तक शायद आ जाएगा, लेकिन उस शेड्यूल आपको दोबारा चेंज करना पड़ा। और कहीं जैसे वीडियो बन रहे हैं कि प्री पीजी के जितना ये रिजल्ट दोबारा आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। प्री पीजी में कुछ इशू हो गया था इस वजह से रिजल्ट दोबारा आया था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये इसी कारण से यह है जो रिजल्ट है, इसकी जो काउंसलिंग की जो डेट है उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया था, तो अभी वो जारी है।